खरीफ फसलों की कटाई अंतिम चरण में है, तो अब केवल अरहर की फसल ही खेतों में खड़ी है, लेकिन ये फसल भी अब कीटों से ग्रसित हो गई है। इस साल सभी खरीफ फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, इसलिए अब किसानों को कीटों से अरहर की सुरक्षा के लिए सही कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अरहर पर लग रहे कीड़े और रोगों के लिए सही योजना नहीं बनाई गई तो उत्पादन में 70% तक की कमी आ सकती है। इसलिए मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों से की गई अपील का अनुपालन करना आवश्यक है। कटाई दिसंबर के आखिरी सप्ताह से जनवरी के पहले सप्ताह तक हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण कीट और फलियां, संक्रमित लार्वा जैसे रोगों में वृद्धि हुई है। खरीफ में ये आखिरी फसल है और किसान इसमें ज्यादा उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए कीट प्रबंधन ही एकमात्र विकल्प है और किसानों को इसे लागू करने की जरूरत है। कृषि विभाग ने एक प्रणाली तैयार कर ली है जिसके अनुसार यदि उपाय लागू किए जाते हैं तो उत्पादन में वृद्धि भी हो सकती है। किसानों को रासायनिक कीटनाशकों के सीधे छिड़काव के बिना एकीकृत कीट प्रबंधन को अपनाना चाहिए। इसमें क्राइसोपा, परभक्षी मकड़ी, धाल कीड़ा जैसे मित्र कीड़ों की अच्छी संख्या होती है जो कीड़ों के परभक्षी होते हैं। ये कीट टर्फ की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, इसलिए यह तरीका कम खर्चीला है और इसका फायदा उठाना जरूरी है किसानों को। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को सलाह भी दी गई है कि संक्रमित पत्तियों को लार्वा के साथ एकत्र करके नष्ट करना कर देना चाहिए। साथ ही समय समय पर खरपतवार को हटाना होगा। जब अरहर की फसल फूलने की अवस्था में हो तो 2 कामगंध जाल प्रति एकड़ फसल पर 1 फुट की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। खेतों में पक्षियों की फसल के लिए 50 से 60 स्थान प्रति हेक्टेयर 102 फीट की ऊंचाई पर बर्ड स्टॉप स्थापित किया जाना चाहिए। ये पक्षियों को लार्वा पर फीड करने की अनुमति देगा। जैसे ही फूल आना शुरू हो जाए 5% नीम के अर्क या अजादीरिया चिटिन 300 ppm को 50 मिली प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना चाहिए। दूसरा छिड़काव शाम को करना चाहिए जब फलियां लार्वा पहले चरण में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।